कमिश्नर, मैं विजयन श्री वर्धमान सागर मार्बल से। दोस्तों आज वीडियो बनाने जा रहे हैं मार्बल की एक क्वालिटी जिसका नाम है कटनी मार्बल। काफी पॉपुलर क्वालिटी है और उसकी वीडियो हम प्रीवियस में पहले भी काफी बार हम बना चुके हैं, तो वापस आज उसी का मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको कटनी में जो हमारे पास में अवेलेबल स्टॉक है वो सारा स्टॉक पर्टिकुलर हर एक थप्पे की आपको रेट बताई जाएगी और उसकी डिजाइन वगैरह दिखाई जाएगी। सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें जो कटनी मार्बल का हमारे पास में कितने कलर्स अवेलेबल है, कौन से क्वालिटी अवेलेबल है, वो मैं सारा इस वीडियो में आज दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं आपका ये वीडियो इस लोड के माध्यम से। ये देखिए, ये पहला लोड देखिए आप, क्रॉस फिगर लाइनिंग का बिल्कुल जो लाइट बेज कलर होता है वो कलर है, क्रॉस लाइनिंग है। तो इसमें जो पैटर्न बनेगा आपके एक डायमंड शेप जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनेगा इसके अंदर। और इसमें लोड की बात करूँ तो ये लगभग 1500 स्क्वायर फीट इसमें क्वांटिटी है। और रेट की इसकी मैं बात करूँ तो ये रेट अवेलेबल अपने पास में है 75 रुपीज का। ये लोट बिल्कुल प्यारा साफ सुथरा और बिल्कुल फ्रेश लोट ये अवेलेबल है 75 के रेट में। ठीक है, तो देखते हैं अगला लोट। पिछला वाला जो लोट देखा हमने वो बेज कलर में देखा था। अब बेज कलर के बाद में कटनी में एक कलर ये भी आता है जिसको एक्वा ग्रीन कलर हम बोलते हैं। ये भी क्रॉस लाइनिंग वाला लोट है, बहुत ही सुंदर। ये लोट की साइज जो है लगभग ये 1100-1200 स्क्वायर फीट का ये लोट है। तो इसकी रेट की मैं बात करूं तो ये 65 रुपीज की रेट में अवेलेबल है। लोट बिल्कुल फ्रेश और 100% सिमिलर आते हैं। एक्वा ग्रीन कलर के अंदर ये क्रॉस लाइनिंग का ही लोट है, 4 पीस लगाएंगे, डायमंड शेप वाली डिजाइन आएगी। इसी का ये अगला लोट ये पड़ा है, ये भी लगभग 1200 स्क्वायर फीट का लोट है। प्राइस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिक्टो लोट है दोनों के दोनों। ये लगभग 1200 स्क्वायर फीट का और क्रॉस लाइनिंग का एक्वा ग्रीन कलर का ये लोट है। इसकी भी प्राइस जो है 65 रुपीज ही है। ये थोड़ा साइज में बड़ा है, ये लगभग 20 है। इसकी जो साइज है 8 फीट के प्लस है और हाइट में 4 फीट के प्लस है। ये भी एक एक्वा ग्रीन कलर के अंदर ही लोट है। क्वांटिटी इसके अंदर सिंगल लोट के अंदर 2500 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी कवर करता है एक अकेला लोट। पिछले लोट अपन ने 1200 स्क्वायर फीट के साइज का लोट देखे थे, अब उससे जस्ट डबल है। ये 2500 स्क्वायर फीट का लोट है, साइज डबल है, रेट रोकी हुई है पर 65 के रेट में ही ये आपके पास में अवेलेबल हो सकता है। ये देखो इसमें जो पैटर्न बनेगा एक क्रॉस लाइनिंग का पैटर्न है और एक जिगजैग पैटर्न टाइप में भी आप इसको लगा सकते हैं। काफी सुंदर कलर लगेगा ये आपके घर में लगने के बाद में। ये है लोट नंबर 4 का पैटर्न देखिए। एक जो जाल टाइप का पैटर्न होता है वो पैटर्न है, काफी जो इटालियन टाइप के जो पैटर्न आते हैं उस टाइप के पैटर्न है। वो ये क्वांटिटी है इस लोट के अंदर 2200 स्क्वायर फीट, 2200 स्क्वायर फीट इसके अंदर एक क्वांटिटी है। साइज बिल्कुल परफेक्ट है, लगभग 5x5 स्क्वायर फीट की इसकी जो साइज है और एकदम यूनिक लॉट है। इसकी जो मैं प्राइस की बात करूं तो ये भी 65 रुपीज के रेट के अंदर ही श्री वर्धमान सागर मार्बल्स किशनगढ़ गोदाम पे स्थित है, यहाँ पे अवेलेबल है। और कटनी का काफी कलेक्शन हमारे पास में आपको एनी टाइम अवेलेबल रहता है, तो जरूर एक बार विजिट करिए हमारे गोदाम पे। और लोट देखिए, ये लोट नंबर 5 में आपको दिखा रहा हूँ इसके जस्ट आगे वाला। इसी में भी क्रॉस फिगर की काफी प्यारी लाइनिंग है और ये जो दो दो पीस जो आप शाइन देख रहे हैं ना, ये दो दो पीस हमने सैंपल के पॉलिश करा रखे हैं, बाकी का मटेरियल अनपॉलिश रहता है। मार्बल आपके वहां पर फिटिंग होने के बाद ही पॉलिश होता है और ये जो पॉलिश है वो डायमंड पॉलिश हमने कराते हैं इसके दो दो पीस पे। तो आप इसका ग्लॉसी देख सकते हैं कितना शाइन है इसके अंदर। ये वाला जो लोट है ये भी लगभग 1500 स्क्वायर फीट का लोट है और ये इसकी भी रेट जो है 65 रुपए ही है, 65 रुपए की ये रेट में अवेलेबल। अपन ने पैटर्न दिखाया, क्रॉस वाला दिखाया था, अब ये लाइनिंग आती है स्ट्रेट लाइनिंग में। कटनी में काफी पैटर्न्स आते हैं क्रॉस जिगजैग, एंगल, स्ट्रेट लाइनिंग पैटर्न के अंदर है। कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि मेरे को डायमंड शेप वाला लोट पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये है स्ट्रेट लाइनिंग वाला पैटर्न। इसमें आपके लाइनिंग टू लाइनिंग मिलते हुए चलेगी और केवल ऐसे डायमंड शेप नहीं बनेगा इसके अंदर, ग्रीन एक्वा कलर का ये भी लोट है। साइज इसमें 2000 स्क्वायर फीट का ये लोट है और इसी पैटर्न में हमारे पास में काफी लोट अवेलेबल है। एक एक करके मैं आपको वीडियो में आपको वो लोट स्ट्रेट लाइनिंग के मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस लोट की जो मैं रेट की बात करूँ स्ट्रेट लाइनिंग वाला जो अच्छा लोट आएगा
अच्छा नोट आपको लगभग 75 रुपीज की रेट में ये अवेलेबल है। अब ये देखिए आप, अब वो स्लो स्पिनर लाइनिंग का नोट है, साइज इसकी 2800 नियर अबाउट 3000 स्क्वायर फीट का ये सिंगल नोट है, काफी बड़ा साइज का और इक्वल बिल्कुल 100% इक्वल नोट आएगा ये। इसी में भी क्रॉस लाइनिंग की आपको डिजाइन मिलेगी और इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये 70 रुपीज के रेट में ये नोट अवेलेबल है। ये बेज कलर के अंदर और पेंसिल लाइनिंग के अंदर काफी सुंदर डिजाइन अवेलेबल है हमारे पास में। क्रॉस फिगर डिजाइन का नोट है और बेज है इसका कलर, बिल्कुल लाइट जो कलर आता है जो अधिकतर सभी कस्टमर्स को पसंद आता है वो ये मोस्टली यही कलर पसंद आता है। और ये लगभग 2500 स्क्वायर फीट का एक सिंगल लॉट है और प्राइस किसकी मैं बात करूँ 85 रुपीज के रेट में यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कटनी की जो प्राइसिंग है तो आप बिलीव करिए 65 से लेके ही जो अच्छी क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि घर में लगे तो कम से कम 65 से मिलना ही स्टार्ट होती है। इसके जो बिलो अगर आपको कोई और वीडियोस में आप देखते हैं कोई आपको 45 रुपए या 40 रुपए इस टाइप से आपको बताता है तो डेफिनेटली अच्छा मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। कटनी से आता है मटेरियल, एमपी से, और हमारा गोदाम सिचुएटेड है राजस्थान में, तो 40-45 वाली भी कोई रेट नहीं होती है कटनी मार्बल की, एक अच्छी क्वालिटी की डेड स्टॉक कहते हैं उसको, डेड स्टॉक कभी भी मत लीजिएगा दोस्तों, फंस जाओगे बिल्कुल, आपके लिए यूजलेस रहेगा मटेरियल। क्वालिटी अच्छी ही लग रही है, मार्बल एक बार लगता है तो बेस्ट से बेस्ट ही, और रेटों के झांसे में इसमें कभी भी नहीं फंसना है, तो क्वालिटी देख के ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको लगभग 65 रुपए का एक हेल्दी रेट है वो कम से कम आपको मेंटेन करना ही चाहिए, फिर आप अपना विवेक जैसे भी हो उसको काम में लेके, ये किशनगढ़ बहुत बड़ा मार्केट है वहां से जहाँ से आए आप परचेज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, इसी के साथ मैं आपको मटेरियल कुछ आगे भी बताता जा रहा हूँ। चलिए प्राइम लोट है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा, इतनी डिजाइन इतनी प्यारी है, बिल्कुल फ्लॉलेस एकदम पेंसिल लाइनिंग का पूरा पीस में डिजाइन है, देखिए लाइनिंग लाइन तो आप इसको देख सकते हो। और ये 7 फीट बाई 4 फीट की इसकी हाइट है और नियर अबाउट 2000 स्क्वायर फीट का ये सिंगल लॉट है, काफी सुंदर इसके अंदर डिजाइन आएगी और कंप्लीटली फ्रेश और इक्वलिटी देखो समझने के तरीका बताता हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि लोट ये नहीं कि आगे दो ही पीस ऐसे लगाए हुए हैं और पीछे लोट कुछ अलग है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट लोट एक ही जैसा चलेगा। इसी बात का रेट होता है, इसी बात का मटेरियल आपको एक जैसा मिले, कभी भी दो पीस देख के डील नहीं करनी चाहिए, मटेरियल को पूरा ऑब्जर्व करिए उसके बाद ही रेट्स के बारे में आगे बढ़िए। इस नोट की मैं रेट की बात करूँ तो 95 रुपीज की रेट में हमारे पास में आगे अवेलेबल, अगेन स्टेट लाइनिंग पैटर्न वाला एक नोट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको पहले भी स्टेट लाइनिंग वाला नोट दिखाया था और काफी ऐसे नोट्स हमारे पास में अवेलेबल है, स्टेट लाइनिंग वाले हुए या क्रॉस लाइनिंग वाले हुए, कोई सा भी पैटर्न आप पसंद करिए सब हमारे पास में काफी अवेलेबल रहता है। लगभग 7 फीट बाई 5.5 फीट के हाइट का ये लोट है, क्रॉस लाइनिंग पैटर्न के अंदर आप डिजाइन देख सकते हैं, पूरे पीस के अंदर इक्वल डिजाइन चल रही है, इक्वल डिजाइन लोट को काफी अवेलेबल है। कंप्लीट लोट सिमिलर आएगा, इसमें तो कोई झोर आया नहीं है, लोट जो आपको दिखा रहे हैं पीस पीछे तक भी आपका वैसा का वैसा ही निकलेगा। कटनी का काफी माल हमारे पास में अवेलेबल है, एक एक करके मैं वीडियो बनाता जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो एकदम ये कंपाउंड देखिए आपको पूरा कंपाउंड दिखा रहा हूँ, उसके अंदर देखिए 4-8 लोट पर डिजाइन आप देख सकते हैं। द मैटर इज क्वालिटी, मार्बल की क्वालिटी ही सब कुछ होती है सर,
रेट अकॉर्डिंग तो इतना बड़ा मार्केट है किशनगढ़ का, आपकी जो रेट होगी उससे भी 10 रुपए आपको सस्ता ही मिल जाएगा, पर क्वालिटी की कोई एश्योरिटी नहीं है। क्वालिटी के लिए तो आपको अपना विवेक खुद ही काम में लेना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि आप एक गुड वेंडर के पास में है जो आपको एक अच्छी सजेशन देता हो कैसा मार्बल होना चाहिए और मटेरियल पूरा जेनाइन और एक जैसा होना चाहिए, जिसका काफी पुराना काम होता है और जो काफी लंबा मोटा काम करते हैं वो कभी भी आपके साथ चीट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है किशनगढ़ मंडी के लिए कि यहाँ पे बहुत तगड़ी चीटिंग होती है, वैसा होता है ऐसा होता है। अगर आप अच्छी जगह से आप मटेरियल ले रहे हैं जिनका जेनाइन काम होता है, रेट्स तो आपको ऐसे नहीं कि आपको लुभाने वाले रेट्स बताते हैं। रेट्स भी दो टाइप की होती है, एक तो होता है कि एक्चुअल रेट, जो माल की रेट है वो ही रेट मांगी जाए, और एक होता है कि कुछ भी रेट ऐसे मांग लो कि ग्राहक फंस जाए, बस उस रेट के अंदर अपना मटेरियल अपने को कचरा जो भी है वैसा करके उसको बेचना है, वो एक बहुत ही गलत चीज होती है ग्राहक के लिए। बेचने वाले के लिए कुछ भी गलत नहीं है, वो तो बेच के फ्री है, उसमें नुकसान है लेने वाले का, उसका फिर एंड में कोई सोल्यूशन नहीं है। आप फोन्स करते रहो वो करते रहो, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। तो कभी भी आप दलालों के रेट के इनमें चक्कर में फंसिए नहीं, अच्छी जगह से माल लीजिए। और कटनी हुआ, वाइट हुआ, और भी काफी कलेक्शन हमारे पास में है गैलरी में, उसके हमने काफी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, हर चीज का मोस्टली मैंने वीडियो डाला हुआ है हमारे पास जो अवेलेबल है। और आगे भी मैं जैसे जैसे क्वालिटीज हमारे पास में मटेरियल आता रहता है तो मैं उसके वीडियोस हमेशा डालता रहूंगा। तो कटनी के भी मैंने काफी वीडियो पहले डाले हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी और उनकी क्या रेट है, वो हमारे पास में कैसा उसका स्टॉक अवेलेबल है, एक एक चीज उसकी आपको डिटेल मिलेगी। और भी आपको कुछ इंक्वायरी आपको करनी है तो इसमें मेरे फोन नंबर दिए हुए हैं, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए, मेरे से बात करिए, और आने से पहले मेरे से एक बार बात करके जरूर आइए, तो आपको काफी आसानी रहेगी। थैंक यू।